गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस आरके मैथ क्लास मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मैथ्स की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ रहे हैं और कल मैंने आपको इसके शुरुआत में 3 क्वेश्चन करवाए थे। अब उसी श्रृंखला में आप क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए। इसमें आ रहा है मेरे पास एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस एक प्लस मापांक एक्स माइनस दो को अंतराल 0 से 2 में आपको अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए, इसमें आप अवकलनीयता की जांच कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, इसको आपको सामान्य रूप में लिखना है। अब सामान्य रूप में लिखने का तरीका देखिए, मापांक कैसे हटाते हैं। देखो, मेरे पास एक तो क्या आ रहा है मापांक में एक्स माइनस एक, और एक मेरे पास आ रहा है एक्स माइनस दो। इनमें देखो, पहले ये देखो इसका मान 0 कब आता है। इसका मान 0 आता है जब आप x बराबर 1 लोगे तब आएगा, और इसका मान 0 कब आता है जब आप x का मान 2 लोगे तब क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। यानी 0 एक ऐसा बिंदु होता है जिसके दाई ओर मान आपका धनात्मक आता है और उसके बाई ओर मान क्या था उसका ऋणात्मक। यानी 0 है वो एक बिना चिन्ह की संख्या होती है जिसको आप उदासीन मतलब संख्या मान सकते हो, जो नए धनात्मक होती है और नए ऋणात्मक होती है। तो हमें पहले उस बिंदु का पता लगाना है कि जहाँ पर इन दोनों का मान क्या दे 0 आ जाए। तो देखो, इसका मान तो x बराबर 1 पर 0 आ रहा है और इसका मान x बराबर 2 पर 0 आ रहा है। अब देखिए, जैसे मान लो मेरे पास ये संख्या रेखा है, या मान लो 1 है, या मान लो 2 है, या मान लो कुछ 0 हो सकता है, या मान लो 3 कुछ हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस x बराबर 1 के लिए अगर मैं इधर को इधर चलता हूँ बाई ओर, मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आपका मान क्या हो जाएगा, वो 1 से छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पर इस बिंदु पर आता हूँ तो मेरा एक्स का मान 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो साथ में क्या है, 2 से भी ऑटोमेटिक छोटा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब मान आपका 1 से छोटा है तो उसको धनात्मक करने के लिए आपको इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। यानी ये मान भी माइनस लगाओगे इसके आगे, और इसके भी आप क्या लगाओगे, आगे माइनस लगाओगे। अब या तो क्या माइनस एक्स माइनस एक माइनस एक्स माइनस दो, इसको आगे सरल करने पर क्या देगा मान आपका माइनस एक्स प्लस एक और माइनस एक्स प्लस दो, तो आपका मान आएगा 3 माइनस 2x। तो आपके पास यहाँ पर पहली शर्त क्या आएगी, 3 माइनस 2x मान आएगा कब, जब आप x का मान क्या लेंगे, 1 से छोटा लेंगे तब। एक शर्त तो आपने ये लिख दी। अब देखो, सेकंड शर्त की हम बात कर रहे हैं। इस बार मान लो मेरे पास क्या आएगा, x का मान है वो 1 के बराबर 1 से बड़ा आएगा। अभी बराबर तो चलो आप कहीं मान लेंगे, बराबर इसके साथ मान लो चाहे दाएं से बाएं, कोई फर्क नहीं है। अब आपका x का मान क्या रहा है, 1 से बड़ा रहा है, लेकिन देखो अभी 2 से छोटा रहा है, फिर 1 से बड़ा है लेकिन अभी 2 से क्या है, छोटा है। तो 1 से बड़ा होने का मतलब अब ये जो मान है इसको आपको धनात्मक करने के लिए इसके आगे प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से आपका प्लस हो गया है। जबकि ये जो आपका अभी इससे तो इधर बड़ा मान आपका 2 के लिए, तो ये मान फिर से क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, और अब आपका मान मिलेगा एक्स माइनस एक माइनस एक्स प्लस दो। तो ये दोनों कट रहे हैं अभी, और मेरे पास क्या रहा है, 1। तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, कब, जब x का मान क्या आएगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा आएगा लेकिन 2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। जब x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा आएगा या 2 से छोटा आएगा, तो आपको बिंदु कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखो नेक्स्ट बात, इस बार आप x का मान क्या ले रहे, आप 2 से बड़ा ले रहे, मतलब इस बार आपका बिंदु यहाँ पर है। जब देखो 2 से बड़ा है तो 1 से ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, तो दोनों से बड़ा हो गया नहीं ये, तो दोनों ही कंडीशन में आपका मान पहले से क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो इसके आगे आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा आप इसमें सीधा काम में ले लेंगे। तो ये तो आ रहा है मेरे पास x माइनस एक, ये x माइनस दो, ये आ रहा है 2x माइनस 3। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 3 लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 3। तो ये आपने लिख दिया इसका मान इस तरह से। अब ये तो आपने पहले क्या कर दिया, जो मापांक है उसको उठा दिया, और मैंने बोल दिया कि अवकलनीयता या सांद्रता के जो प्रश्न आए उनमें सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो मापांक वगैरह होता है उसको आपको उठाने की आवश्यकता होती है। तो अब देखो, मापांक हटा दिया आपने। अब देखो प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, उसको देखिए आप, प्रश्न में आपसे पूछा है, अब देखो बराबर वाली बात करिएगा, तो बराबर हम ज़्यादातर दाई सीमा की ओर मानते हैं, या मान लो इसका बराबर आप बताओ 2 के लिए, ये आप बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें, अब आपको ऐसा करना है कि यहाँ लिखा है अंतराल 0 से 2 में। अब देखो 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, 0 से 2 का मतलब हुआ कि आपको 0 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है, और 2 पर, इन तीनों पर चेक करना है आपको, इन तीनों बिंदुओं पर आपको जो अपना मान है वो चेक करना है। देखो यहाँ पर जो संबंध लिखा है इनमें वो केवल 1 पर लिखा है और 2 पर लिखा है, कहीं पर भी 0 पर संबंध नहीं लिखा है।
अगर आप इसकी जीरो पर अवकलनता की जांच करोगे तो ध्यान रखना तीनों सीमाओं के लिए आपका ये ऊपर वाला ये बिंदु काम आएगा, क्योंकि अक्ष का मान एक से छोटा है, जो आपका जीरो होता है वो क्या होता है, एक से छोटा होता है। चाहे आप उसमें बाएं सीमा लोगे तो भी यही फलन काम आएगा, दाएं सीमा लोगे तो ये फलन काम आएगा, और जीरो खुद पर लेंगे तो भी कहेगा ये फलन काम आएगा। तो वो तो आपका वैसे ऑटोमेटिक क्या है, अवकलनीय है, ठीक है ना। उसकी तो आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास एक सामान्य रूप से फलन आ रहा है, यानी एक बीज फलन आ रहा है, इसलिए क्या ये तो आपका अवकलनीय होगा। क्योंकि अब देखो जैसे नॉर्मल सी बात है, मैं तीन माइनस दो अक्ष है इसका मैं अवकलन करूंगा तो मेरे पास माइनस दो आएगा। अब इसमें कहीं जीरो का फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल एक निश्चित राशि आ रही है आपके पास, तो ये क्या आपका संतत है, सॉरी अवकलनीय है। तो इसकी आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप इसकी जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। अब जो हमारा मैनली पॉइंट है वो किसका है, हमें एक और दो पर जांच करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो, तो देखो मेरे पास अब क्या है कि मैं मैनली एक और दो पर जांच करूँगा, क्योंकि जो आपका ये रिलेशन लिखा हुआ केवल किस पर, एक और दो पर लिखा हुआ है, न कि जीरो पर लिखा हुआ है। तो जीरो पर तो वैसे भी आपका उपलब्ध नहीं है, वो तो हम लास्ट में पता लगा लेंगे। मैनली में किस पर जांच करनी है, एक और दो पर जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखा एक्स बराबर एक पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, एक्स बराबर एक पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, पहले आपको एल एफ डैश एक का मान निकालना पड़ेगा, जो आएगा लिमिट एच टेन टू जीरो और एफ एक माइनस एच माइनस एफ एक और बटे मारा माइनस का एच, क्योंकि यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है, तो जहाँ जहाँ ए होता है वहाँ पर क्या देगा आपका, एक आ जाएगा। अब देखो इसमें आपको लिखना है लिमिट एच टेन टू जीरो और एफ एक माइनस एच का मतलब क्या हो गया, आप बाईं सीमा की बात कर रहे हो और बाईं सीमा में क्या होना चाहिए आपका मान, एक्स का मान एक से छोटा होना चाहिए। तो अब देखो एक्स का मान एक से छोटा काम पर है, इस ऊपर वाले में है, तो ये फलन आपका इसमें काम आ जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा तीन माइनस दो एक्स, एक्स से वहाँ पर एक्स नहीं आएगा, एक्स से वहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस एच ही आ जाएगा। और माइनस जो देखो एफ एक है, एफ एक का मतलब आपको एफ एक का मान निकालना, देखो बराबर कहाँ लगा रखा आपने, बराबर देखो आपने यहाँ लगा रखा है, तो आपका मान क्या देगा, एक आ जाएगा। और बटे मारा मेरे पास कितना माइनस का एच। अब देखो इसको सरल करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट एच टेन टू जीरो यहाँ पर आ रहा है तीन माइनस दो प्लस दो एच माइनस एक बटे मारा माइनस एच। अब देखो इस तीन से ये दोनों कट गए और अभी मेरे पास क्या रहा है, लिमिट एच टेन टू जीरो और माइनस का दो एच बटा एच, ये मैंने माइनस ऊपर लगा दिया, ठीक है ना, एच कट हो रहा है अभी, और मेरे पास मान क्या आ गया माइनस का दो, ये तो आ गया मेरे पास एल एफ डैश एक का मान, ठीक है। ये तो आपने बाएं अवकलज का मान वो प्राप्त कर लिया है, अब आपको प्राप्त करना है किसका मान, दाएं अवकलज का मान आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे आर एफ डैश एक बराबर, तो इसमें आपको लिखना है लिमिट एच टेन टू जीरो और यहाँ पर आएगा एफ एक प्लस एच माइनस एफ एक और बटे मारा प्लस का एच। ये आपने दाएं अवकलज का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक प्लस एच माइनस एफ एक बटा में एच। अब देखो इसको आप आगे सरल करोगे, बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो। अब देखिए एफ एक प्लस एच के लिए आपकी कौन सी सीमा काम आएगी, क्योंकि एक प्लस एच का मतलब आप एक में कुछ ना कुछ आप बढ़ा रहे हो, जब आप एक में कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हो तो मतलब आप एक से जो संख्या आपकी एक्स एक से बड़ी आ रही है, यानी एक्स का मान क्या है, एक से बड़ा है, तब एक्स का मान एक से बड़ा कहाँ पर आ रहा है, तो देखो एक्स का मान एक से बड़ा इस फलन में आ रहा है, और ये फलन आपका देखो चर रहित फलन है, बिल्कुल अचर फलन है, अचर फलन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे एफ एक प्लस एच का मान निकालो, एफ एक्स का निकालो, एफ एक्स किसी का निकालो, आपका मान क्या प्राप्त होगा, आपको एक ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। और माइनस एफ एक का मान मेरे पास क्या रहा है, एक बटे मारा है एच। फिर आपने लिखा लिमिट एच टेन टू जीरो जीरो बटा एच बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो। मैंने बोला कि जब तक सरल हो तब तक सरल करना है, सीमा का प्रयोग नहीं करना है। आप जानते हैं जीरो में किसी का भी भाग देंगे आप तो मान क्या आएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा सिवाय जीरो बटा जीरो को छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास मान जीरो आ गया, सीमा लागू होगी नहीं, और मान मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब आपने लिख दिया तुम कि एल एफ डैश एक नॉट इक्वल आ रहा है आर एफ डैश एक के, इसलिए एक्स बराबर एक पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो आगे दो पर भी आप जांच कर सकते हो। तो चलो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट ही करवा दूं, तो ये मैंने एक पर जांच कर लेना है। अब देखिए एक्स बराबर दो पर जांच, और यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको बाद उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना।
तो देखो अब मैं x बराबर 2 पर जांच कर रहा हूँ इसकी। तो अब देखिए x बराबर आप 2 पर जांच कर रहे हो, तो मैंने अपना वही रूल लगा दिया वापस फिर से कि x बराबर 2 पर आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो इस बार आपने देखा x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा एल एफ डैश 2 बराबर लिमिट एज टेन टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बटे में आ रहा है माइनस का एच। ये तो आपने लिखा था बाई सीमा का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या, आपको यहां पर लिखना आपको बराबर लिमिट एज टेन टू 0, सीमा लगा दी आपने लिमिट एज टेन टू 0 और एफ जो 2 माइनस एच है उसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा कम आएगा। आप जानते हैं बाएं सीमा के लिए आपका एक्स का मान क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए ना, तो ये 1 का मान है यहाँ पर भी माइनस। अब जो एफ 2 का मान है वो आपको कहाँ से निकालना है, बराबर से निकालना है, तो बराबर ही आप लगा हुआ है तो यहाँ पर आप 2 रख दो, 2 दूनी 4 माइनस 3 यानी कितना मान आएगा, 1 आएगा और बटे मारा मेरे पास कितना माइनस का एच। और जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास मान आएगा 0 बटा माइनस का एच, और आगे आपने इसको सरल किया तो मान आएगा ये मान आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और अब 0 में सीमा लागू तो मान क्या देगा आपका 0। ये तो आपने निकाल लिया एल एफ डैश 2 का मान, अब आपको निकालना है आर एफ डैश 2 का। तो देखो इसमें जो आपके पास बायां अवकलज है उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया है। अब आपको निकालना है दायां अवकलज का मान, तो आप लिखोगे आर एफ डैश 2। तरीका भी हो गया लिमिट एज टेन टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 और बटे में आएगा एच, ये आपने देखा इसका फॉर्मूला। अब देखो आपको इस फॉर्मूले में सारा क्या रखना है, इसका मान रखना है। तो लिखा आपने बराबर लिमिट एज टेन टू 0। अब देखो एफ 2 प्लस एच का मान कहाँ से आएगा, इस बार जो अक्ष है ना वो आपका क्या है, 2 से बड़ा है, क्यों दाएं सीमा का मान लो आप मान उधर जा रहे हो आप 2 के, तो मान आपका दाएं सीमा में यानी एक्स का मान 2 से बड़ा हो गया, तो ये फलन काम आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, क्योंकि एक्स है वहां पर क्या आएगा 2 प्लस एच, बाकी सिस्टम आपका आएगा सारा सेम माइनस। अब देखो जो एफ 2 है यानी एफ 2 का मान कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना, 2 रख दो, 2 दूरी 4 माइनस यानी 1 आएगा और बटे बारे मेरे पास कितना एच। फिर आपको लिखना बराबर लिमिट एच टेन टू 0 4 प्लस 2 एच माइनस 4 बटे मारा है एच, इन्हें कट कर लो आप, तो इसका मतलब बराबर लिमिट एच टेन टू 0 2 एच बटा एच, एच कट हो रहा है, इन मान क्या आ गया इसका 2 आ गया। तो देखो ये मान भी दोनों आपके अलग अलग आ रहे, इसका मतलब आपने लिखा तुम कि एल एफ डैश 2 नॉट इक्वल आ रहा है आर एफ डैश 2, ठीक है ना। अब देखो बात करें आप किसकी, जो आपका एक्स बराबर 0 है, तो देखो उसमें तो आपका केवल एक ही फलन काम आ रही है, और एक ही फलन काम आने का मतलब आपका तीनों सीमाओं का मान बार बार वही है, अगर बिल्कुल आपका क्या आएगा अवकलनीय फलन आएगा तो वो तो आप सीधा यानी एफ एक्स बराबर 3 माइनस 2 एक्स 1 बी जे फलन होने के कारण अंतराल फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपने लिख दिया क्या भैया, लिख दो पहले एक बार आप, इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है। तो इसे देखो आपने रिजल्ट निकाला अभी कि जैसे मान लो, तो देखिए अब आपने दिखा दिया कि एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये न एक पर अवकलनीय है और 0 पर क्या है अवकलनीय है, तो आपको रिजल्ट क्या निकालना है, अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय नहीं है। मेरी बात सुनो, जब आपसे अंतराल के बारे में पूछे ना कि इस अंतराल में अवकलनीय है या नहीं है, तो उसमें अगर वो जितने भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं पर वो अगर अवकलनीय होगा तभी तो क्या होगा, वो अवकलनीय होगा। अगर उनमें से किसी एक पर भी वो अवकलनीय नहीं आ रहा है तो पूरे अंतराल के लिए क्या माना जाएगा, वो अवकलनीय नहीं माना जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 5। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास प्रश्न आ रहा है 5 नंबर, उसमें आ रहा है एफ एक्स बराबर एक्स टैन इनवर्स एक्स, एक्स नॉट इक्वल 0
और जीरो कब आएगा, जब एक्स इक्वल जीरो, तो आपको इसकी भी क्या करनी है, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो आप लिखोगे यहाँ पर एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। अब तो जांच कैसे करनी है आपको, वो तरीका, पहले आपको एल एफ डैश जीरो का मान निकालना है। तो बराबर आएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे हमारा माइनस में एच। अब यहाँ पर तो लिखना आपको लिमिट एच टेंड टू जीरो ही तो आएगा सेम। अब देखो जीरो माइनस एच के लिए आपकी मतलब फलन कौन सा काम आएगा, तो देखो ये तो केवल जीरो के लिए तैयार है फलन के लिए, बाकी बाई सीमा और दाई सीमा दोनों के लिए ही फलन काम आ रहा आपका। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी एक्स है वहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जीरो माइनस एच टेन इनवर्स जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो का मान कितना दे रखा है जीरो और बटे हमारा माइनस का एच। अब आपको लिखना है लिमिट एच टेन टू जीरो यहाँ पर माइनस एच टेन इनवर्स देखो माइनस एच और बटे हमारा माइनस का एच। अब टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन होता है, तो ये माइनस इसका क्या देगा बारह देगा, तो मान हो गया लिमिट, चलो पहले इसको आप काट ही दो ठीक है ना। अब इसका माइनस बारह आ गया और साथ में देखो आप ऐसा करो इसको भी इसे कट कर दो और मेरे पास अभी क्या रहा है लिमिट एच टेन टू जीरो, अब इसका आ गया माइनस बाहर टेन इनवर्स एच। अब इसमें आप सीमा लगा दो तो माइनस में टेन इनवर्स जीरो और ये मान किसका होता है टेन जीरो का होता है, तो यहाँ पर मान आ गया मेरे पास टेन जीरो और मान के आ गया आपके पास जीरो, जीरो का प्लस माइनस होता नहीं है तो मान के आ गया आपके पास जीरो आ गया है। उसके बाद देखो आप किसका निकालना है आर एफ डैश जीरो का मान है वो प्राप्त करना है, तो बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और बटी में आ रहा है एच। ये तो आपने इसमें क्या लगा दिया, इसका जो फॉर्मूला है वो आपने लगा दिया है, बराबर यहाँ पर है लिमिट एच टेन टू जीरो एफ जीरो प्लस, देखो एच का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपका मान आ जाएगा जीरो प्लस एच टेन इनवर्स जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो का मान जीरो है ही और बटे में क्या रहा है एच आ रहा है। अब देखो इसको आगे सरल करने पर मान आएगा लिमिट एच टेन टू जीरो एच टेन इनवर्स एच बटे में एच आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये फिर से मेरे पास क्या रहा है टेन एफ जीरो, ये मान जीरो का होता है और जीरो का प्लस माइनस होता नहीं है, तो मान देखो बिल्कुल दोनों क्या रहे समान आ रहे। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि एल एफ डैश जीरो बराबर आ रहा है आर एफ डैश जीरो, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है। तो ये आपको इस तरह से इसमें जांच करना था। तो ये था आपका सवाल नंबर पाँच। अब आगे आप सवाल नंबर छः को देखिए। देखो छठे सवाल में आपके पास क्या रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, तो देखो सवाल नंबर छः। अब देखो आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छः नंबर, तो इसमें भी क्या करनी है आपको एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करनी है, अवकलनीयता की जांच। तो इसमें वही तरीका, पहले आपको निकालना पड़ेगा एल एफ डैश जीरो का मान, तो मान आएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे बारह माइनस का एच। तो पहले आपने इसमें यह तो क्या अप्लाई कर दिया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने अप्लाई कर दिया है। अब आप लिखोगे लिमिट एच टेंड टू देखो जीरो तारी मेरे पास सेम। अब देखो बाईं सीमा के लिए फलन कौन सा काम आएगा, तो एक्स जो होता है वो बाईं साइड में इधर होता है जीरो से, यानी एक्स का मान जीरो से छोटा होता है, तो एक्स का मान तो जीरो छोटा इसमें आ रहा, तो फलन आपका ये ऊपर वाला काम आ जाएगा, यानी आप लिखोगे वन माइनस कोस। अब देखो एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, एक्स है वहाँ पर क्या आएगा जीरो माइनस एच, ये आ जाएगा जीरो माइनस एच और बटे मारा है दो माइनस एफ जीरो का मान कहाँ से निकालना है, देखो एफ जीरो का मान आपको निकालना है किससे, यहाँ पर आप कोस एक्स है वहाँ पर आपको जीरो रखना है, तो कोस जीरो का मान क्या होता है एक होता है, तो ऊपर आ गया एक माइनस एक जीरो बटा दो, यानी मान क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, समझ में आ गया। देखो जैसे मान लो एफ जीरो निकालना आपको, तो वन माइनस कोस जीरो बटा दो वन माइनस वन बटा दो जीरो बटा दो, तो जीरो आया ना मान, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है जो एफ जीरो है उसका मान मेरे क्या रखना है जीरो रखना है और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास माइनस में एच रख दिया आपने। अब देखो इसको जब आप आगे सरल करोगे तो आपके पास मान आएगा बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो या वन माइनस कोस एच बटा में माइनस का दो एच,
क्योंकि कोस में माइनस थीटा का कभी कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो प्लस ही रहता है आपका, और बेटे में आगे माइनस का दो एच। अब देखो लिमिट एस टेंड टू रखना आपको जीरो। अब वन माइनस कोस दो एच का मतलब क्या होता है, अगर देखो आप इसमें सीधे यहां पर सीमा लगाते हो तो देखो ऊपर वाला मान एक माइनस एक एन जीरो हो जाएगा आपका, नीचे मान जीरो, देखो आपके पास जीरो बटा जीरो रूप आ रहा है। और कभी भी आपको जीरो बटा जीरो रूप उससे बचने की कोशिश करनी है तो हम जीरो बटा जीरो रूप को हम कैसे हटाएंगे, हम यहां पर इसको एक को पहले काटने वाला रूल लगाते हैं कोस में, यानी लिखा मैंने वन माइनस, देखो वन तो है आपके पास ये, और यहां लिख दिया मैंने वन माइनस टू साइन स्क्वायर एच बटा दो, और बटे मारा माइनस का दो एच, यानी मैंने साइन टू कोस टू तरह मैंने फॉर्मूला लगा दिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या होगा, ये वन से वन कट जाएगा सीधा, और मेरे पास अभी क्या रहा है बराबर लिमिट एस टेंड टू जीरो। अब देखो ऊपर वाला मान ये प्लस हो गया ना, यानी दो साइन स्क्वायर एच बटा दो, और बटे में क्या रहा है एच आ रहा है, दो एच आ रहा है, ठीक है ना, दो एच। अब देखिए आपको करना क्या है, बराबर लिमिट एस टेंड टू जीरो, इसमें पहले आप दो कट कर दो, ठीक है सीधा। अब मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एच बटा दो बटे में एच, देखो अभी भी जीरो बटा जीरो आ रहा है, अगर आप इसमें सीमा लगाते हो साइन जीरो का मान जीरो बटा जीरो, तो इससे कैसे बचना आपको, यहाँ पर आपको साइन एक्स बटा एक्स बराबर जो एक होता है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, उसका जो रूप आपको वो बनाना है यहाँ पर, तो वो रूप हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको ऐसा करना है कि जैसे ये एच है बटे में, तो आपको एच के बटे में क्या लगाना है यहाँ पर, जो चार लगा देना है और गुणा में भी चार कर देना है। मैंने एच के बटे में चार लगा दिया और साथ में गुणा में भी क्या कर दिया है, चार कर दिया है, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर जो आपका मान है यानी लिमिट एस टेंड टू जीरो मेरे पास आ रहा है एक बटा चार, और साइन स्क्वायर एच बटा दो, और बटे मारा है एच बटा चार, ठीक है। अब एच बटा दो चार है, इसको आप एच स्क्वायर में बढ़ा लो, ठीक है ना, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथ में, यानी यहाँ एच स्क्वायर लिखाया तुमने तो साथ में आपको और क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी आपको यहाँ पर एक एच से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा आपको ताकि आप ऊपर क्या कर सकें, किसी एच से आप इसको गुणा कर सकें। तो यहाँ पर आप कर दो इसमें क्या एच बटा चार। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ तो हो गया मेरे पास एच स्क्वायर और वहाँ पर ऊपर एच है। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसका मान एक बना सकूँ, देखो इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे एच वापस कट रहा है, और ये देखो चार से चार क्या है वापस से कट जाएगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके पास है वो वापस ऊपर वाले वही कंडीशन आएंगे, साइन स्क्वायर एच बटा दो और बटे में क्या रहा है मेरे पास ये आ रहा है सर सेम। अब आपको यहाँ पर ऐसा करना है कि लिमिट एच टेन टू जीरो, एच बटा चार में तो आपको सीमा अलग लगानी है, और लिमिट एच टेन टू जीरो और जो साइन एच बटा दो है बटा में एच बटा दो है, इस पूरे का चलो होल स्क्वायर ऐसे बाहर लगा दो इसके, आप इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी एक साथ लिख सकते हो, साइन एच बटा दो और एच बटे दो का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मान वापस ऊपर वाला आ रहा आपका। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं इसका मान एक बना सकूं, क्योंकि आप जानते हैं जब एच का मान जीरो है तो एच बटा दो का मान भी क्या होता है जीरो होता है, उसका मान क्या हो जाएगा मेरे पास एक हो जाएगा। अब इसमें आप सीमा लगाओ जीरो बटा चार गुणा एक का स्क्वायर, जीरो गुणा एक बटा चार, जीरो बटा चार, और मान क्या आ गया मेरे पास जीरो आ गया। तो ये तो आपने अभी किसका मान निकाल लिया, जो बाया अवकलज है उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, जीरो प्राप्त कर लिया है। अब देखिए आप दाएं अवकलज का मान, तो देखो जब आप दाएं अवकलज का मान निकालोगे तो कैसे निकालना आपको, तो लिखो आप दाएं अवकलज का मान, तो इसमें आपने लिख दिया यानी आपको लिखना है आर एफ डैश जीरो का मान, सीमा वही लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे मारा है एच बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब देखो जीरो प्लस एच का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जीरो प्लस एच के लिए आपके पास क्या आएगा, आप जीरो में कुछ जोड़ रहे हो, यानी आपकी ये सीमा का हमारी इधर वाली, तो आप यहाँ लिखोगे जीरो प्लस एच माइनस दो इंटू जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर बटे में दो माइनस एफ जीरो का मान कितना होता है, यानी बराबर जीरो का मान बात कर रहे हैं आप, तो देखो इससे निकलेगा आपका मान एक माइनस ए बटा दो यानी जीरो आ रहा है, और बटे में आ रहा है मेरे पास एच। अब देखो जब आप इसको आगे और सरल करोगे तो यहाँ वाला मान तो मेरे पास है एच माइनस
ये दो एच स्क्वायर बट्टे में ये बन जाएगा आपका दो एच, क्योंकि इसके बट्टे में आप एक मानोगे तो एच नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या हो गया मेरे पास, अभी देखो लिमिट एच टेंड टू जीरो आ रहा है सेम, ऊपर आपने एच कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा एक माइनस दो एच बट्टे में आ रहा है दो एच, एच कट कर दिया आपने। अब इसमें सीमा लगा दो आप, तो एक माइनस दो गुणा जीरो बटा दो, यानी एक माइनस जीरो बटा दो, और मान मेरे पास क्या रहा है एक बटा दो। तो देखिए उस सीमा का मान तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, जीरो प्राप्त हुआ था, और इसका मान आपको प्राप्त कितना हो रहा है एक बटा दो। तो देखो जब ये दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं तो इससे ये प्रमाणित होता है, देखो यहाँ पर आपको दोनों सीमाओं का जो मान है देखो अलग अलग प्राप्त हो रहा है, इसका तो ये आ रहा है एक बटा दो, उसका आया था हमारे पास कितना जीरो आया था। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि एल एफ डैश जीरो नॉट इक्वल आर एफ डैश जीरो, इसका मतलब अक्ष बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये आपको इस सवाल में जांच करनी थी प्रश्न संख्या छः में। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर सेवन, देखो आगे जो सात नंबर सवाल है, देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप थोड़ा ढंग से देखिए इसको करना कैसे आपको। देखो इसमें आपके पास क्या रहा है, एक फलन आ रहा है fx, यानी x की पावर m cos एक बटा x, x नॉट इक्वल जीरो तब के लिए आ रहा है, और जीरो कब आएगा जब आप x इक्वल क्या लेंगे जीरो लेंगे। तो पहले पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि x बराबर जीरो पर संतत है कब, यदि m का मान जीरो से ग्रेटर है तब। फिर x बराबर जीरो पर क्या है ये अवकलनीय है कब, यदि m का मान क्या आएगा एक से ग्रेटर आएगा तब। तो सबसे पहले हम जांच करें किसकी, x बराबर जीरो पर सांतत्यता की जांच कर रहे हैं, सांतत्यता की जांच यानी कंटिन्यूटी क्या जांच करें इसमें। तो पहले इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ जीरो माइनस एच का मान निकालना पड़ेगा, यानी बाईं सीमा का मान निकालना पड़ेगा ना। अभी देखो पिछली प्रश्न वाले पर आपने उसकी बात करी है, ठीक है ना। एफ जीरो माइनस एच का मतलब हो गया मेरे पास लिमिट एक्स टेंड टू जीरो निगेटिव और एफ एक्स। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा बराबर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और एफ एक्स का मान क्या आएगा, देखो इस बार नॉट इक्वल के लिए देखो ऊपर वाला यही मान आ रहा काम में, तो ये मान आपको बार बार काम में लेना है। तो एक्स की पावर कोस एक बटा ये एक्स आ जाए, ठीक है ना। सेम अब जैसे आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो करोगे आप, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास जीरो माइनस एच की होल पावर एम और कोस एक बटा जीरो माइनस एच। अब इससे मान आएगा मेरे पास लिमिट एच टेन टू जीरो माइनस एच की पावर एम और कोस एक बटा एच, क्योंकि कोस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है तो माइनस वहाँ पर क्या हो गया उसका गायब हो गया। अब देखो इसको आप आगे ऐसा लिखोगे, देखो मैंने माइनस एक की पावर एम उसको मैंने अलग लिख दिया है, उसके बाद में लिमिट एच टेन टू जीरो और एच के होल पावर मेरे पास क्या रही है एम आ रही है और साथ में क्या रहा है कोस एक बटा एच आ रहा है। अब देखो जब आप इसमें सीमा लगाओगे तो आपको यहाँ पर देखो पता है अभी, जैसे मान लो मेरे पास माइनस एक है, माइनस एक की पावर एम का मतलब है चाहे मैं माइनस एक की पावर में जीरो लो, चाहे मैं माइनस एक की पावर प्लस एक लो, या मैं माइनस एक की पावर कितनी लो माइनस एक लो, तो यहाँ पर मेरे को एक निश्चित राशि प्राप्त हो रही है, यानी मेरे पास कोई ना कोई मान वो अवश्य एक निश्चित आपके पास परिभाषित मान वो प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पर मेरे पास एच का मान जीरो है, यानी यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया माइनस एक की पावर एम, ये कोई निश्चित राशि पड़ी आपके पास कोई दिक्कत नहीं एक बार, और यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है जीरो की पावर एम और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कॉस इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि एक बटा एच का मान जीरो हो गया ना इन्फिनिटी हो गया इसका मान। तो ये तो मेरे पास है माइनस एक की पावर एम, ये मान आपका क्या हो जाएगा जीरो की पावर एम और यहाँ पर मेरे पास क्या है माइनस एक से प्लस एक के बीच की परिमित राशि, परिमित राशि यानी कोई आपको फिक्स राशि प्राप्त हो रही है, कहाँ से माइनस एक से प्लस एक के बीच में। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास देखो क्या आने वाला है, आप लिखोगे यानी माइनस एक की पावर एम, ये भी कोई निश्चित राशि आ रही है आपके पास, तो इसका मान मैंने कर दिया जीरो, यहाँ पर है माइनस एक से प्लस एक के बीच की निश्चित राशि, बीच की निश्चित राशि या परिमित राशि, निश्चित राशि। अब मेरे पास सुनो, मैंने यहाँ पर जीरो की पावर एम का मान मैंने क्या लिख दिया है जीरो, ये केवल एक ही शर्त पर जीरो आएगा, कब जब आपके पास
एम क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। एम का मान अगर क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, तभी आपको इसका मान क्या प्राप्त होने वाला है, जीरो प्राप्त होने वाला है, अन्यथा इसका मान आपका जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास जीरो के पावर एम का मान मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कब एम का मान जीरो से, देखो एक बार समझ लो आप इसको, जैसे मान लो मेरे पास जीरो जीरो के पावर एक है तो मान क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो के पावर दो है तो मान जीरो। अब चाहे आप जीरो के पावर मतलब चाहे एन कर दो धनात्मक तो मान क्या आएगा, जीरो। ये तो प्लस के लिए बात होगी, ठीक है। अब देखो मैं निगेटिव की बात कर रहा हूँ, माइनस एक लिया मैंने, एक बटा जीरो यानी अनंत आ रहा है मेरे पास। जीरो के पावर अगर मैंने माइनस दो ली तो ये सिस्टम आपका एक बटा जीरो अनंत आ रहा है, यानी धनात्मक राशि लेंगे आप एक से लेकर तो मान आपका जीरो आएगा, और अगर आप ऋणात्मक पावर लेंगे इसकी तो मान क्या आएगा, आपका अनंत आएगा। और आपको पता है जब आप जीरो की पावर जीरो लेते हैं तो ये आपकी अपरिभाषित राशि होती है, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। जीरो की पावर जीरो का मान कितना होता है ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। तो इन कंडी, अब देखो आपको करना क्या है, आपको केवल इन्हीं शर्त पर मान क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो प्राप्त हो रहा है। बाकी इन शर्त पर आपके पास क्या आ रहा है, एक अपरिभाषित मान प्राप्त आ रहा है। तो हमें इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो जीरो की पावर है सॉरी एम का मान, वो हमें क्या मानना पड़ेगा, जीरो से बड़ा मानना पड़ेगा। अगर मैं एम का मान जीरो से बड़ा मानता हूँ तभी मेरे पास मान क्या आएगा, इसका जीरो आएगा, अन्यथा मेरे पास माना वो जीरो नहीं आएगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये जो मेरे पास जीरो की पावर एम है उसका मान मेरे पास क्या आ गया है, जीरो आ गया है। अब देखो आप आगे, माइनस एक की पावर एम को निश्चित राशि है, कोई दिक्कत नहीं है, ये निश्चित राशि है ही। अब जो जीरो है, अगर जीरो को आप किसी भी एक निश्चित राशि से गुणा करते हैं तो आपके पास मान क्या आता है, जीरो आता है। तो मेरे पास यहाँ पर मान क्या आ गया, जीरो आ गया है। तो ये तो आपने अभी किसका मान निकाला है, बाईं सीमा का मान निकाला है। अब मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, दाईं सीमा का मान, यानी अब मैं निकालूंगा एफ जीरो प्लस एच का मान। तो फॉर्मूला आपका जीरो प्लस एफ एक्स आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड टू आपने जीरो कर दी है, एफ एक्स का मान क्या आएगा मेरे पास। देखो आप दाईं सीमा की ओर की बात कर रहे हो आप, यानी आप उस साइड में जा रहे हो दाईं सीमा की तरफ। दाईं सीमा की तरफ जाने का मतलब आपका मान तो वही आएगा ना ऊपर वाला ही, यानी एक्स की पावर एम और कॉस एक बटा एक्स। इसको आप आगे सरल करोगे, जब आप इसको लिमिट एक्स टेंड टू जीरो बनाओगे तो यहाँ पर आएगा जीरो प्लस एच की ऑल पावर एम और कॉस एक बटा जीरो प्लस एच। तो ये आ रहा है मेरे पास लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एच की पावर एम और कॉस एक बटा एच। जब आप देखो इसमें सीमा लगाते हो, अभी एच का मान आप इसमें काम लेते हो जीरो, तो ये आ रही है जीरो की पावर एम और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कॉस इन्फिनिटी आ रहा है। मैंने बोलता है कि कॉस इन्फिनिटी एक अपरिभाषित राशि नहीं है, कॉस इन्फिनिटी यहाँ पर कॉस के कोण का काम कर रहा है, जिसका मान हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, एक माइनस एक से प्लस एक के बीच की एक निश्चित राशि आपको प्राप्त होगी। तो आपने क्या लिख दिया, इसका मान मैंने लिख दिया जीरो और यहाँ पर माइनस एक से प्लस एक के बीच की राशि। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक बात यह है कि ये आपको जीरो तभी प्राप्त होगा जब एम का मान क्या लेंगे, आप जीरो से बड़ी संख्या लेंगे। तो आप लिख देंगे जब आप एम का मान क्या लेंगे, जीरो से ग्रेटर, तब आपको इसका मान क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। और अगर जीरो किसी भी संख्या से गुणा होगा तो मान क्या आएगा, जीरो आएगा, बराबर जीरो आ गया मेरे पास। लेकिन एक शर्त पर, जब एम का मान क्या हो, जीरो से ग्रेटर हो। जब एम का मान जीरो से ग्रेटर हो तब आपको इस सीमा का मान भी कितना प्राप्त हो गया, आपको जीरो प्राप्त हो गया है। और बाईं सीमा का मान भी आपको कितना प्राप्त हुआ था, जीरो प्राप्त हुआ था। अब देखो जो एफ जीरो खुद है उसका मान आप निकालोगे यहाँ पर, वो देखो प्रश्न में पहले से दिया गया आपको कितना, जीरो दिया गया। देखो मेरे पास बाईं सीमा का मान भी जीरो आ रहा है, दाईं सीमा का मान भी जीरो आ रहा है, और फलन का मान भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी तीनों के तीनों मान मेरे पास क्या आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। जब तीनों मान जीरो आ रहे हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका फलन है वो एक्स बराबर जीरो पर क्या आ रहा है, संतत आ रहा है। तो आप लिखोगे इसलिए फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है। लेकिन संतत एक ही शर्त पर है, कब, यदि आपका एम का मान क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, तभी ये माना क्या आएगा, आपका जीरो पर संतत आएगा। तो ये तो आपने भी इसमें जो पहला पार्ट है उसकी आपने जांच कर ली, यानी फलन आपका जो फलन है एक्स बराबर जीरो पर संतत है, कब, यदि एम का मान क्या हो, जीरो से ग्रेटर। तो ये तो आपने पढ़ा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका आप सेकेंड पार्ट देखिए।
तो देखो अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, x बराबर जीरो पर इसकी जो अवकलनता है उसकी आप जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा एल एफ डैश जीरो का जो मान है वो आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला काम आ गया लिमिट एज टेंड टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे मारा माइनस का एच। अब इसमें आपने लिख दिया जो मेरे पास लिमिट देखो एज टेंड टू जीरो आ रही है पहले से, और यहाँ पर जो एफ जीरो माइनस एच है उसका मान देखो फलन का कौन सा आएगा, ये ऊपर वाला काम आएगा, यानी जीरो माइनस एच की होल पावर एम और कॉस एक बटा जीरो माइनस एच, और माइनस एफ जीरो का मान क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, और अभी बटे में क्या आ रहा है मेरे पास माइनस का एच। अब देखो जब मैं इसको आगे सल करूँगा तो मेरे पास आएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, और यहाँ पर है माइनस एच की होल पावर कितनी एम, और साथ में आ रहा है मेरे पास कितना कॉस एक बटा एच, और आप जानते हैं कॉस में माइनस का फर्क पड़ता नहीं है तो संख्या आपकी आ जाएगी सेम और बटे में आ रहा है माइनस का एच। अब देखो यहाँ पर मेरे पास माना गया लिमिट एच टेन टू जीरो, अब देखो इस माइनस एच की होल पावर आप एक मान सकते हो, माइनस एच की जो होल पावर है उसको आप कितना मान सकते हो एक, और जब ये ऊपर जाएगी तो आप इसको एक साथ लिख दोगे माइनस एच की होल पावर एम माइनस एक और इंटू मारा है कोस एक बटा एच, जो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। जब माइनस एच की होल पावर एक ऊपर जाएगी तो वो क्या बन जाएगी कोस, यानी माइनस एच की होल पावर एम माइनस एक। अब देखो इसको आपको लिखना है लिमिट एच टेन टू जीरो, देखिए इसके देखो मैं यहाँ पर दो टुकड़े कर लूँगा, मैंने माइनस एक की पावर जो एम माइनस एक है उसको मैंने अलग लिख दिया है, और एच की पावर जो एम माइनस एक है उसको मैंने अलग से लिख दिया है। माइनस एक की होल पावर एम माइनस एक और एच की होल पावर कितनी आ रही है एम माइनस एक, और इंटू में आ रहा है मेरे पास कितना कोस एक बटा एच। अब देखो यहाँ पर माइनस एक की होल पावर एम माइनस एक है तो बिल्कुल फिक्स राशि इसमें आपकी सीमा लागू होगी नहीं, और चाहे आप यहाँ पर एम का मान चाहे आप कुछ भी रख दो, जीरो रखो एक रखो दो रखो पाँच रखो माइनस रखो, आपके पास एक निश्चित राशि प्राप्त होगी आपको, यानी ये मान आपका बिल्कुल कोई परिभाषित मान है वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो हम इसकी बात को बाद में सीधा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या रहा है, ये जीरो की होल पावर मेरे पास आ गई एम माइनस एक, और यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉस इन्फिनिटी जब मैंने इसमें सीमा लगाई तब। अब देखो यहाँ पर ये तो आपके पास क्या आएगी एक निश्चित राशि आएगी, निश्चित राशि ये तो बिल्कुल आपको एक निश्चित राशि प्राप्त हो रही है, कौन सा ये पहले वाला मान, ये मैंने मान इसको जीरो मान लिया है, और ये आपके पास क्या रहा है माइनस एक से प्लस एक के बीच की राशि, बीच की परिमित राशि, ये आपको माइनस एक से प्लस एक के बीच की परिमित राशि आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, मैंने यहाँ तक ये लिख दिया है। अब देखो मैंने इसमें कुछ बात लिखी, एक तो मैंने लिखा माइनस एक की होल पावर एम माइनस एक ये निश्चित राशि आपके पास, और जबकि जीरो की पावर एम माइनस एक को मैंने जीरो माना है, और जो कोस अनंत है उसका माना रहा है माइनस एक से प्लस एक के बीच की परिमित राशि आपके पास आ रही है। लेकिन देखो इसमें भी आपको अपनी शर्त लगानी है कि ये जो जीरो की पावर एम माइनस एक है उसका मान जीरो केवल एक ही शर्त पर आएगा, जब जीरो की पावर क्या आएगी धनात्मक आएगी, ध्यान रखना जीरो की पावर क्या आएगी धनात्मक, धनात्मक आने का मतलब जीरो की पावर एक आएगी जीरो की पावर दो आएगी, ऐसे अगर आएगी तो भी इसका मान क्या आएगा आपका जीरो आएगा। अगर जीरो की पावर जीरो आती है तो ये भी आपकी अपरिभाषित राशि है, जब जीरो की पावर माइनस एक या माइनस दो आती है तो वो भी क्या आपकी एक अपरिभाषित राशि है। तो देखो इस कंडीशन से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर जीरो की पावर है एम माइनस एक ये आपकी क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जो m माइनस एक है वो जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब m माइनस एक अगर जीरो से बड़ा है तो इसको आप यूं भी मान सकते हो कि m क्या होना चाहिए आपका एक से बड़ा होना चाहिए। भाई m माइनस एक जीरो से बड़ा कब आएगा, जब m का मान खुद का क्या होगा एक से बड़ा होगा, तो ये शर्त आप कब लिखोगे जब m का मान क्या आएगा आपका एक से बड़ा, यानी जब m का मान एक से बड़ा आएगा तब आपके पास जो जीरो की पावर m माइनस एक है उसका मान आपके पास कितना देगा जीरो आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो आप आगे जब जीरो को आप किसी भी एक निश्चित संख्या से गुणा करवाते हैं तो पूरा का पूरा मान आपका क्या बन जाता है जीरो बन जाता है, तो ये कंप्लीटली मान आपका क्या आ गया जीरो आ गया। लेकिन एक शर्त पर जीरो आया है कब, जब m का मान क्या हो एक से बड़ा हो तब आपके पास मान क्या आया ये जीरो आया है। अभी देखो आपने ये तो निकाला इसकी बाईं सीमा का मान, अब देखिए इसकी जो दाईं सीमा है यानी जो आर एफ डैश जीरो है उसका मान आप और देखिए। तो देखो मैं वो यहाँ पर निकाल रहा हूँ आर एफ डैश जीरो का मान, तो आप देखो आर एफ डैश जीरो तो लिखना पड़ेगा आपको आर एफ डैश जीरो, तो इसमें आपने लगा था लिमिट एच टेन टू जीरो
एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और बटे में आ रहा है एच। ये आपने दायां जो अवकलज है उसको निकालने के लिए आपने ये रूल लगा दिया है। तो अब देखो इसको आप आगे सरल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी बराबर आएगा मेरे पास लिमिट एस टेन टू जीरो। अब देखो जो एफ जीरो प्लस एच है, जीरो प्लस एच का मतलब वापस आपकी वही सीमा काम आने वाली है, यानी जीरो प्लस एच की ऑल पावर एम और कोस एक बटा जीरो प्लस एच और माइनस में एफ जीरो का मान क्या है जीरो बटे में आ रहा है एच। उसके बाद में आपको लिखना है लिमिट एस टेन टू जीरो और यहाँ पर है एच की पावर एम और कोस एक बटा एच और बटे में आ रहा है एच। ऐसा आ गया मान आपका। अब देखो मैं अगर इस एच की पावर एक को ऊपर भेजता हूँ, देखो एच की पावर एक है ना, ये जब ऊपर रहेगी तो आपका मान बच जाएगा एच की पावर एम माइनस एक और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कोस एक बटा एच, यानी आपने लिख दिया एच की पावर एम माइनस एक और सात मिनटों में क्या रहा है कोस एक बटा एच। अब देखो उसको आप जब आगे सरल करोगे तो देखो मैं इसको यहाँ पर बिठाता हूँ वापस एक बार फिर से, और अब देखो मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर, ये मान आपको पता है पहले से जीरो आ चुका है, ठीक है ना। अब हम इसका जो दूसरा पद है उसको निकाल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा बराबर। यहाँ पर देखो आपने ये लिख दिया जीरो की पावर एम माइनस एक, यानी जीरो की पावर एम माइनस एक और साथ में आ रहा है मेरे पास कितना कोस है अनंत आ रहा है, ठीक है। अब देखो जीरो की पावर एम माइनस एक का मान मैंने जीरो लिख दिया और ये आपकी राशि है माइनस एक से प्लस एक के बीच की कोई निश्चित राशि आएगी। और अब मेरी बात सुनो, ये तो चलो निश्चित राशि आएगी क्योंकि कोस और साइन का मान हमेशा क्या होता है माइनस एक से प्लस एक के बीच में एक फिक्स राशि होती है, लेकिन ये जीरो मान आपका केवल एक ही शर्त पर आएगा जब ये ऊपर जो इसकी घात है वो क्या होगी जीरो से बड़ी होगी। ये घात जीरो से बड़ी तभी होगी जब आपका एम क्या होगा एक से बड़ा होगा। जब एम एक से बड़ा होगा तभी वो संख्या क्या आएगी आपकी जीरो से बड़ी आएगी। इसका मतलब आपके पास मान क्या आ गया है जीरो आ गया है, लेकिन एक शर्त पर आया है जब एम का मान क्या हो एक से बड़ा हो। तो देखो आपके दाएं अवकलज का मान भी जीरो आ रहा है और अभी आपने कुछ देर पहले बाएं अवकलज का मान निकाला वो भी क्या था आपका जीरो आया था, यानी जो दोनों के दोनों मान आपके हैं वो बिल्कुल क्या रहे हैं जीरो आ रहे हैं। तो आपने लिखा क्योंकि एल एफ डैश जीरो है वो बराबर आ रहा है आर एफ डैश जीरो के, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो ये आपने इस तरह से इसकी जो जांच है वो आपने कर ली है। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा, जो प्रश्न संख्या आपका जो सात का सेकंड पार्ट है वो क्या है अवकलनीय है, लेकिन एक शर्त पर है यदि कब जब एम का मान क्या हो एक से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर आपका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों का मान बराबर आ रहा है, लेकिन एक शर्त पर आएगा कौन सी पर जब आप एम का मान क्या लेंगे एक से बड़ा लेंगे। तो ये आपको सवाल में इस तरह से दोनों पार्ट्स के सिद्ध करने थे। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर सात। अब देखो सवाल नंबर आठ को कैसे करना आपको। तो प्यारे बच्चों मैंने भी आपको ये प्रश्न संख्या सात तक करवा दिया है। अब जो प्रश्न संख्या देखिए आठ में क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर है एक बटा वन प्लस ई की पावर एक बटा एक्स स्क्वायर जब एक्स नॉट इक्वल जीरो और जीरो कब आएगा जब एक्स इक्वल जीरो। तो इसकी जांच आपको करनी है एक्स बराबर जीरो पर आपको अवकलनीयता का आपको प्रश्न करना है। और नौवें पार्ट में आ रहा है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स बटा एक्स एक्स नॉट इक्वल जीरो एक और एक्स इक्वल जीरो। तो इसको देखो पहले आप थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, आप इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बदलना होगा देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है। इसको देखो आप आगे ऐसे लिख देंगे कि एफ एक्स का जो मान आपका है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर जो मान आपका जीरो कब आ रहा है, जीरो पर जीरो आ रहा है जब आप एक्स का मान जीरो से छोटा लेंगे तो ये मान आपका माइनस आएगा, और माइनस आएगा इसका मतलब माइनस एक्स बटा एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस एक हो जाएगा। कब, जब आप एक्स का मान क्या लेंगे जीरो से छोटा लेंगे। और जब आप एक्स का मान जीरो से बड़ा लेंगे तो आपका मान ये प्लस आएगा, तो प्लस का एक्स बटा एक्स क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। कब, जब आप एक्स का मान क्या लेंगे जीरो से बड़ा लेंगे तब, ठीक है। और एक कब आएगा आपका मान, जब आप एक्स बराबर क्या लेंगे जीरो। तो देखो इसको मैंने आपका ऐसे सिंपल रूप में लेके दे दिया, तो इसकी जांच आप खुद करेंगे अवकलनीयता का परीक्षण। एक आपको ये नौवां आठवां करना है, एक आपको नौवां इस फॉर्म में मैंने बदल दिया है, कर लेना। और अब देखो जो दसवां सवाल है उसमें आ रहा है वन प्लस साइन एक्स जब एक्स का मान क्या आएगा जीरो से पाई बाय टू के बीच में आएगा तब, और ये दो प्लस एक्स माइनस पाई टू का होल स्क्वायर कब आएगा जब एक्स का मान पाई बाय टू के बराबर उसे क्या आएगा ग्रेटर आएगा तब। इसमें आपको पाई बाय टू पर क्या करना है अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों ये तीनों प्रश्न आप घर से इनकी ट्राई करेंगे और मैं इन प्रश्नों का हल आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको इनको एक बार खुद को ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है।
आपको आए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं फिर कल आपको ये प्रश्न करके बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब मेरी बात सुनना जान से, जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अब देखो एक मेन समस्या क्या रहती है, जैसे मान लो कई बच्चे कहते हैं कि हमें सारे वीडियो मिल नहीं पाते हैं चैनल के ऊपर, तो देखो चैनल पर मैंने देखो इसमें दो प्लेलिस्ट बना रखी है, एक में तो लिखा है 10th क्लास के वीडियो है, एक में है 12th क्लास के वीडियो। तो आप जब उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको 12th क्लास के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। और देखो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में हमने क्या कर रखे हैं, पार्ट वाइज, जैसे मान लो टॉपिक नंबर 6 है आपके पास, तो इसमें पार्ट 1st है वो अलग है आपके पास, फिर पार्ट 2 है वो अलग है, फिर पार्ट 3 है वो अलग है, फिर पार्ट 4 है वो अलग है, पार्ट 5 है वो अलग है, और ये सारे पार्ट है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टिंग है। अगर आपने इनके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो सीधा ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसको देखने से पहले आप इसके दो पीछे वाले पार्ट है उनको एक बार अवश्य देख लिया करें, ताकि आपको ये ढंग से समझ में आ जाए। और मैंने बोला कि वीडियो अगर आपको नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक 10th क्लास की वीडियो की है, एक 12th क्लास की वीडियो की है। अब 12th क्लास की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको 12th के सारे वीडियो है वो एक जगह मिल जाएंगे, और हर टॉपिक के पार्ट वाइज आपको वहाँ लिखे मिल जाएंगे कि पार्ट एक कौन सा है, पार्ट दो कौन सा है, पार्ट तीन कौन सा है, तो वहाँ पर जाके आप इनको स्टडी है वो कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इसको सब्सक्राइब तो करना ही आपको, साथ में लाइक भी करना है। एक दूसरी बात, कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जैसे मैंने नया वीडियो अपलोड कर दिया तो उनके पास सूचना नहीं पहुंचती है, तो उसमें एक बेल आइकन बना होता है, ऐसे बना होता है ना, उस बेल आइकन को क्या करना, आपको क्लिक करना है, मतलब जो बेल आइकन बना होता है इस तरह से, तो उसको आप एक बार क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपके पास जैसे ही जो नया वीडियो होगा उसकी सूचना तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, और आप बिना किसी सहायता के उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, वीडियो नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ मिल जाएंगे, साथ में जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब अवश्य करना है, और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर आप प्रेस कर देंगे, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बातें हैं इसका जो शेष भाग है 500 उनकी बात हम कल करेंगे, तब तक आप इन तीनों को ट्राई करना, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।